हेलमेट के नाम पर चालान काटने को लेकर भले ही लोगों में डर का माहौल बना हो, लेकिन आज पुलिस प्रशासन अपनी एक अलग ही तस्वीर लेकर लोग जहां चौराहे पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को खड़ा देखकर दूर से ही भाग लेते थे, वहीं संजीवनी नगर थाना के अंतर्गत गुलुआ चौक में सड़क से गुजरने वाले ऐसे दुपहिया वाहन चालक जो हेलमेट नहीं पहने हुए थे, वो स्वयं ही पुलिस कर्मियों के पास आकर खड़े हो रहे। इसके पीछे का कारण यह था कि पुलिस लोगों से हेलमेट ना पहनने के कारण चालान काटने की बजाय वहां पर लोगों को हेलमेट वितरित कर रही। जरूरतमंद और ऐसे लोग जो हेलमेट नहीं खरीद सकते थे, उन्हें सीएसपी प्रतिष्ठा राठौर, संजीवनी नगर थाना प्रभारी शोभना मिश्रा के द्वारा हेलमेट वितरित किया जाए। नशा मुक्ति अभियान जैसे सामाजिक संदेशों को प्रचारित और प्रसारित करते हुए लोगों को हेलमेट पहनकर सुरक्षित यात्रा करने का संदेश पुलिस प्रशासन द्वारा दिया जा रहा था। जबलपुर से दीपक तिवारी की रिपोर्ट। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार पूरे जबलपुर में ही हेलमेट के लिए चालानी कार्रवाई चल रही है और हमारे एसपी सर का ही आदेश है कि सब लोगों को ये अवेयरनेस भी फैलाई जाए और जन जागरूकता लाई जाए कि हमें हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है हेलमेट पहनना। इसी के चलते आज हमने यहाँ पर एक नई प्रकार की कार्रवाई की है, जिसमें हमने चालानी कार्रवाई ना करते हुए हेलमेट वितरण करे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमने फ्री में यहाँ पर लोगों को हेलमेट वितरण किए, वो लोग जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं हेलमेट खरीदना, ऐसे हमने अभी 20-25 हेलमेट वितरण करे हैं और भी हमारी ऐसी कार्रवाई करने का शाम में प्रस्तावित है। मैम, ये कार्रवाई कब तक लगातार चलती रहेगी आपकी? हम लोग अभी इसे आज हमने फर्स्ट डे स्टार्ट किया है फ्री में हेलमेट वितरण करना। अब जहाँ जहाँ से हमें जन सहयोग मिलेगा और जहाँ से हमें जैसे व्यापारी संघ हुआ या और भी कोई लोग हैं जो आते हैं और सहयोग करते हैं पुलिस के लिए और हमें मिलता है कि कोई हमारा सहयोग करना चाह रहा है फ्री हेलमेट वितरण में, तो उस प्रकार से हमारी कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं और इसी तारतम्य में हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हम सभी अधिकारियों को ये आदेशित किया हुआ है कि हेलमेट के ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए और हेलमेट की कार्रवाई के लिए ना केवल चालानी कार्रवाई हो बल्कि जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे कि लोगों में स्वतः ये जागरूकता फैले, अवेयरनेस फैले कि उन्हें हेलमेट लगाना है। और इसी तारतम्य में हमारे द्वारा अलग अलग तरीके से जागरूकता फैलाई जा रही है। अभी तक मैं करीब 5-6 स्कूलों में जाकर थाना संजीव नगर के स्टाफ के द्वारा स्कूलों में बच्चों को और प्रिंसिपल्स को और उनके टीचर्स को ये जागरूकता दी गई है कि उनके पेरेंट्स हेलमेट लगाकर ही उन्हें चलाएं या छोड़ने जाएं तो वो हेलमेट्स का उपयोग करें। और इसके साथ ही साथ धनवंती नगर चौराहे में गुलौवा चौक पर हमने जनता को ये अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है कि ताकि वो हेलमेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और इसके अंतर्गत जितनी चालानी कार्रवाई प्रतिदिन चल रही हैं, प्रतिदिन करीब 50-60 के एवरेज में चालानी कार्रवाई हो रही है, परंतु एक ये नया हमने ये आज श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदया हैं उनके साथ ये शुरू किया है कि जिसमें हम जो सहयोग हमें अन्य लोगों के द्वारा मिला है, जनप्रतिनिधियों या अन्य समाज सेवियों के द्वारा ये सहयोग मिला है कि हम हेलमेट का वितरण कर सकें, तो इस प्रकार से आज हम 25 हेलमेट का वितरण थाना संजीवनी नगर क्षेत्र में ऐसे उन लोगों के को कर रहे हैं जिनके पास में हेलमेट अफोर्ड करने के तत्कालिक पैसे नहीं हैं, गरीब लोग हैं और जिन्हें हम हेलमेट को 200-250 रुपये वो खर्च करने में उन्हें तकलीफ़ हो, ऐसे व्यक्तियों को हम हेलमेट निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं।